सभी के आरंभ प्रेमियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसे खेलने के लिए मानो कैरम के देवता ही प्रकट हुए हों, और इस परफॉर्मेंस को अंजाम दिया है मेरे एक पसंदीदा कैरम चैंपियन ने, जिनका नाम है विकास धारिया। इस बोर्ड का हर शॉट जैसे एक नगीना है, जैसे कि ये ब्रेक जिसमें उन्होंने 3 कॉइन्स पॉकेट किए हैं, 2 अपने राइट में और 1 अपने लेफ्ट में। आत्मविश्वास तो जैसे उनका देखते ही बनता है जब ब्रेक के बाद इस पहले ही शॉट में उस काली कॉइन पर जो सेंटर सर्कल के अंदर बैठी हुई उसका टच लेते हुए, उसको ब्रश करते हुए इस वाइट कॉइन को वो पॉकेट करेंगे। बहुत ही खूब। बोर्ड पर रह जाती है 5 वाइट कॉइन्स और क्वीन। हर कॉइन ब्लॉक्ड है दोस्तों, और उस परिस्थिति में वो थोड़ा सोचेंगे और उस वाइट कॉइन को जो राइट फ्रेम के नज़दीक है उसे सिलेक्ट करेंगे। स्ट्राइकर रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है वो उस काली कॉइन की वजह से, और वो वाइट कॉइन 2 काली कॉइन के बीच में सैंडविच्ड है। सो वो काली कॉइन को प्रेस करते हुए उस वाइट कॉइन को पॉकेट करेंगे, अपनी उसके आगे वाली काली कॉइन जो राइट फ्रेम पर चिपकी हुई है उससे बचते हुए परफेक्ट पावर और कंट्रोल के साथ। सुंदर। इतना प्रतिभाशाली शॉट खेलने के बाद भी आप देखेंगे दोस्तों की पोजिशन वैसी ही ब्लॉक्ड है। थोड़ा सोचेंगे वो, और यहाँ पर वह इस बोर्ड को एक और ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे जब वो खेलेंगे साइड फ्रम पर या हुक, और उस पैर को भी कनेक्ट करेंगे सीधे अपने सेकंड पॉकेट में। वाओ। एक और चीज़ जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने पिछले शॉट में हासिल की थी वो था सेंटर में बम, उस पोजीशन को लूजन करने के लिए, और उसके साथ ही यहाँ पर वह यह कट एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस वाइट कॉइन पर जो सेंटर सर्कल के थोड़ी बाहर है। बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और बहुत अंश खिलाड़ी दोस्तों उस दूसरी वाइट कॉइन को जो सेंटर सर्कल पर लगी है उसको भी कट से खेल देंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी कारागिरी देखिए, उसे वह पैर के साथ डबल करेंगे, क्वीन को वाइट कॉइन पर डबल करते हुए पॉकेट कर देंगे, और उस क्वीन को भी वह उस वाइट कॉइन का टच लेते हुए अपने सामने वाले पॉकेट में लेना चाहते थे वो तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसे वह उसके नज़दीक ला देंगे और इस कट को वह बड़ी ही आसानी से ले लेंगे दोस्तों क्वीन को। और कवर देखिए दोस्तों, यह फिनिश वाइट स्लैम के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, लेकिन उसको बहुत उम्दा तरीके से स्ट्राइकर को फॉलो करते हुए उसे कंप्लीट कर देंगे। कंग्रेचुलेशंस। फ्रेम पर लगी हुई इस ब्लैक कॉइन को वो लेंगे स्ट्रेट, उसके बाद वो हम बेस कॉइन लेंगे, उस पर को उसको खेलते समय वो हल्का बम भी खेलेंगे उन 2 कॉइन्स को आसान करने के लिए। अफसोस की बात, उन्हें वो मुश्किल कर देंगे आसान करने के बजाय, फिर वो वापस मोड़ देंगे अपना लक्ष्य इस काली कॉइन पर जो स्ट्रेट खेलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, वह छोटी सी गलती बम खेलने की उनके दिमाग पर हावी हो जाएगी, और यहाँ पे वो इस परफॉर्मेंस का होल एंड सोल एक मिस करेंगे। उसके बाद एक सुंदर वर्टिकल ग्लांस खेलते हुए यहाँ पे आप देखेंगे उसी काली कॉइन को जो उन्होंने मिस की थी उसे पॉकेट कर देंगे, और फिर खेलेंगे और एक सुंदर ग्लांस, इस बार हॉरिजॉन्टल होगा। और परफेक्शन देखिए दोस्तों, इसे दूसरी कॉइन को जो अपने अपोनेंट फ्रेम पर लगी हुई है उसको स्ट्रेट ले लेंगे ग्लांस के बाद। एक्यूरेसी इतनी बढ़िया है उसकी, सुंदर। और इस सुंदर ग्लांस के बाद वह कॉइन्स को पॉकेट करने का क्रम जारी रखेंगे, यहाँ कनेक्ट पैर करेंगे, सीधा नहीं है पॉकेट में लेकिन उसे कनेक्ट करेंगे अच्छी तरह से और पॉकेट कर देंगे। और उसके बाद यह 2 कॉइन्स जो इतनी भी आसान नहीं है बोर्ड के मिडल में, तो उन पर वो थोड़ा काम करेंगे, उन्हें पॉकेट कर देंगे बड़ी सुंदरता से, कट 2 कट और यह बोर्ड फिनिश कर देंगे। सुंदर, अति सुंदर। और दोस्तों, यह सब कर रहे हैं वो कैमरा के सामने लाइव, जिस वजह से इस परफॉर्मेंस की मुश्किलता और बढ़ जाती है दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे और एक बार वह बहुत ही शक्तिशाली ब्रेक के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉइन पॉकेट होती है अपने राइट पॉकेट में, और 3 कॉइन तो उनके राइट बेस पॉकेट पर है, तो यहाँ पर वह हल्का सा सिरहाने वाइट कॉइन पर टैप करेंगे कॉइन को पॉकेट करने के लिए, क्योंकि दूसरी कॉइन भी रह जाती है बेस पर, और इसे वो जोर से मारेंगे तो पहली कॉइन टर्न हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे वापस एक बार कनेक्ट कर रहे हैं 2, और कितनी अच्छी तरह से कॉइन स्ट्राइकर को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी वाइट कॉइन की पोजीशन और अच्छी करने के लिए उसे वहीं रख देंगे, वो ऐसी कॉइन्स रखेंगे दोस्तों आप, तो आपको क्वीन के लिए कवर आसान हो जाता है। यहाँ पर वापस वो स्ट्रेट खेल रहे हैं, उसको हल्का सा कट खेल रहे हैं, और इस बोर्ड में काफ़ी सीधी कॉइन्स है दोस्तों,
यहाँ पे वापस एक बार हल्का सा कट करते हुए बीच में वो पोजीशन ढीली करेंगे, हल्का बम खेलेंगे, आप देखेंगे बहुत ही सुंदरता से वापस एक बार इस फ्रेम पर लगी हुई वाइट कॉइन को स्ट्रेट लेंगे और परफेक्ट टेक्निक के साथ। इसे आप एकदम स्लो भी नहीं खेल सकते हैं दोस्तों, एकदम मीडियम पावर के साथ परफेक्ट टेक्निक के साथ उन्होंने खेला। वापस एक बार यहाँ पे एक सुंदर शॉट आप देखेंगे, उस काली कॉइन का टच लेते हुए दूसरी वाइट कॉइन को वह कट करेंगे दोस्तों। यह स्ट्रेट कट नहीं था, इसमें उस ब्लैक कॉइन को उन्होंने टच लिया था और फिर आप देखेंगे सुंदरता के साथ और एक बार कट ले लेंगे इसको कॉन्फिडेंटली। और फिर यहाँ पर जो क्वीन के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया था, उस क्वीन को भी अभी वो देखेंगे, उसे लेने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्राइकर रखने के लिए जगह नहीं है, तो इसे लगभग स्ट्रेट कट ले रहे हैं उस क्वीन को बहुत ही सुंदरता के साथ। और फिर उसी वाइट कॉइन को जो उन्होंने पहले से महफूज रखी थी अपने बेस पर, उसे कवर करते हुए वाइट स्लैम कंप्लीट कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक के बाद एक कॉइन्स को पॉकेट करने का सिलसिला भी जारी रखेंगे दोस्तों, यहाँ इस स्ट्रेट के साथ फिर खेलेंगे एक हल्का सा बम स्ट्रेट पीस पर। आप देखेंगे कैसे वो दूसरी कॉइन जो पॉकेट के नज़दीक है उसे और भी आसान कर देंगे। ऐसा खेलना चाहिए दोस्तों आपको, अपनी पोजिशन सटीक तरह से बनाते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे वे खेलेंगे एक बहुत ही शानदार ग्लांस दोस्तों, आप देखेंगे दोनों ब्लैक कॉइन्स बेस लाइन को चूमती हुई एक लगभग एक ही लाइन में है और यहाँ पे वो स्ट्राइकर को बहुत ही क्रॉस लेते हुए यह ग्लांस खेलेंगे, बहुत ही शानदार है दोस्तों, एकदम टेक्स्ट बुक शॉट, सुंदर। इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, फिर खेल रहे हैं थम बहुत ही आसानी के साथ स्ट्रेट, उसके बाद बोर्ड को जैसे साफ करने के अभियान में लगे हुए हैं, खेलेंगे वो यह रिबाउंड बड़ी आसानी से। और आखिर में आते हैं हम इस ग्राउंड फिनाले पर या फिर आखिरी शॉट पर जो आपका मन लुभा देगा दोस्तों, आपका दिल खुश कर देगा। यह डीप कट दोस्तों आप बार बार देख सकते हैं, आप बार बार देखने की इसे चेष्टा कर सकते हैं, इतना सुंदर है, ब्यूटीफुल देख सकते हैं आप यह अलौकिक परफॉर्मेंस। बहरहाल जो कि दो अल्टीमेट स्लैम है दोस्तों, एक लगभग अल्टीमेट स्लैम है और एक बार बिना किसी कमेंट्री के साथ, और इस बार मैंने इंतज़ार का समय तो पूरी तरह से निकाल दिया है ताकि आप इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस का मज़ा लूट सकते हैं पूरी तरह से। धन्यवाद, शुक्रिया।